एक तो 1 नवंबर 2021 से हमारा वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण का कार्यक्रम शुरू हो रहा है, और जो भी व्यक्ति 1 जनवरी 2022 को 18 साल की आयु जो पूरी कर लेगा, मतलब आगे आने वाला समय, वो भले ही 1 नवंबर को 18 साल का नहीं है लेकिन वो 1 जनवरी 2022 को 18 साल का हो जाएगा, वो भी एलिजिबल है और वो अभी हमारे वोटर लिस्ट में शामिल हो सकता है, अप्लाई कर सकता है, क्योंकि इसका प्रकाशन हम लोग जनवरी के महीने में करते हैं, तब तक वो 18 साल का हो जाता है। तो इसलिए 1 जनवरी 2022 इसकी कट ऑफ डेट है। जैसा जो 4 तिथियां नवंबर के महीने में रखी गई हैं, जिसमें हमारा BLO बूथ पे बैठेगा और विशेष अभियान चलाएगा। जनरली ये संडे का दिन होता है सामान्यतया, लेकिन हमारे इस बार के पुनरीक्षण में 2 संडे ऐसे हैं जिनमें कुछ अलग कार्यक्रम हैं, जैसे 14 तारीख और 28 तारीख। 14 तारीख को भी कुछ कार्यक्रम है जिसके नाते हम लोगों ने उसको, हमने क्या आयोग ने इसमें से अनुमति दी है, तो शनिवार को होगा। इसी तरह से 28 तारीख को TET का एग्ज़ाम होने के कारण वो भी 27 तारीख को शनिवार को होगा। तो 2 संडे को और 2 शनिवार को हमारा विशेष अभियान चलेगा पुनरीक्षण का। वोटर्स की संख्या आप लोगों को मिल गई होगी, हमारे जनपद में कुल 34,29,159, अभी जो आपको ये कॉपी दी गई है उसमें लिखा भी है 34,29,159 मतदाता हैं, जिसमें महिला मतदाता 16,19,542 हैं और पुरुष मतदाता 18,09,486 हैं, 131 अन्य कैटेगरी में हैं। तो ये हमारा जो जेंडर रेशियो भी जो ADM साहब ने बताया है वो थोड़ा सा कम है, और जो सेंसस का डेटा है और जो हमारा जेंडर रेशियो है इसमें 123 का अंतर है। जेंडर रेशियो हमारा 895 चल रहा है और जो सेंसस का डेटा है वो कहता है कि 1000 पुरुष पे 1018 महिलाएं हैं, तो इस तरह से 123 का अंतर, ये बहुत बड़ा गैप है। और कहीं ना कहीं पे, क्योंकि हमारे जनपद से बहुत सारे लोग महाराष्ट्र में और कई जगहों पर माइग्रेट करके जाते हैं, वो भी एक बड़ी संख्या, एक माइग्रेशन बड़ा कारण हो सकता है, लेकिन फिर भी ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं महिलाओं का जो सहभागिता होना चाहिए वो कम है वोटर लिस्ट बनाने में। हो सकता है या तो महिलाएं छूट गई हैं, या कुछ लोग जो यहाँ पे निवास नहीं करते हैं, माइग्रेट होके जो बाहर चले गए, उनका भी नाम वोटर लिस्ट में चला आ रहा है। तो इस बार हम लोग विशेष ध्यान देंगे कि हमारा जो जेंडर रेशियो है वो बढ़े, और उसको बढ़ाने का 2 ही तरीका है, या तो हम जितनी महिला वोटर्स हैं उन सबको जोड़ें, महिलाओं की संख्या बढ़ाएँ, और दूसरा जो लोग यहाँ पे नहीं रहते हैं उनका हम मतदाता सूची से नोटिस जारी करके और नाम हटाएं। तो इसमें आप सभी लोगों को पता है कि आयोग का एक जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है 1951, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, उसमें उसके अनुसार कोई भी व्यक्ति केवल एक जगह ही वोटर हो सकता है। आप सभी लोग इस बात को जानते भी हैं, लेकिन सामान्यतः कई बार ऐसा होता है कि लोग कई जगह पे वोटर लिस्ट में नाम डलवा लेते हैं, हम लोग डुप्लीकेसी चेक करके बीच बीच में हटाते रहते हैं, लेकिन ये दंडनीय अपराध है, अगर पाया जाता है तो इसमें संबंधित के विरुद्ध विधिक कार्रवाई भी हो सकती है, मुकदमा भी दर्ज किया जा सकता है। तो आप लोग के माध्यम से मैं चाहूँगा कि इसका थोड़ा प्रचार प्रसार आप लोग भी करें, कि अगर कोई भी कहीं दूसरी जगह पर वोटर है तो वो या तो वहाँ से नाम कटवा ले या फिर यहाँ से नाम कटवा ले, 2 जगह पे वोटर कोई ना रहे। और ये हम लोग विशेष नवंबर के महीने में और दिसंबर के महीने में इस पर हम लोग काम करेंगे कि कोई भी व्यक्ति केवल 1 जगह से वोटर रहे, 2 जगह पे उसका वोटर लिस्ट में नाम ना रहे, ये कानूनन भी अपराध है। और हमारी जो मंशा है, माननीय चुनाव आयोग की मंशा है, उसके विपरीत भी है। अभी हमारा जो EP रेशियो है, इलेक्टोरल पीपल रेशियो जिसको हम कहते हैं, वो लगभग 67% चल रहा है, मतलब 100% में से 67 लोग हमारे ये वोटर्स हैं। 100% जनसंख्या होती है कुल, और 67% हमारी एडल्ट पॉपुलेशन है 18 से ऊपर जो होती है वो वोटर लिस्ट में होती है, तो हमारा 67% चल रहा है, और ये लगभग आइडियल है। थोड़ा सा और इसको हम लोग कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, इससे ज़्यादा होने पे फिर फर्जी वोटर्स बढ़ने की संख्या हो सकती है, तो इस पर हम लोग का ध्यान रहेगा कि EP रेशियो जो मानक है उसके अनुरूप बना रहे। एक जो कोविड के बाद से पोस्ट कोविड पीरियड में हमारे जो बूथ का मानक था उसको थोड़ा सा बदला गया है, पहले 1500 वोटर्स पे एक बूथ होता था, अब घटा के उसको 1200 कर दिया गया, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड नॉर्म के कारण लोगों को वोट डालने में थोड़ा सा समय लग सकता है, तो
तो अब एक बूथ पे 1200 से ज़्यादा वोटर्स नहीं रहेंगे। पहले हमारे जनपद में कुल 3455 मतदेय स्थल थे, अब जब हम लोगों ने संभाजन किया और 1200 पे उसको दोबारा बनाया तो अब बढ़ के 3936 हमारे मतदेय स्थल हो गए हैं, 481 मतदेय स्थल बढ़े हैं। तो पिछली बार जब विधानसभा का या लोकसभा का चुनाव हुआ होगा उस समय में और अब 481 मतदेय स्थल हमारे बढ़े हुए रहेंगे। इसी तरह से हमारे BLO की उस हिसाब से तैनाती और सुपरवाइजरों की तैनाती भी यहाँ पे कर दी गई है। राजनीतिक दलों की बैठकें हमने अपने स्तर पे भी कर ली हैं और जब पुनरीक्षण का अभियान चलेगा तो बीच बीच में हम लोग राजनीतिक दलों को भी बुला के उनको बताते रहेंगे। 2-3 चीज़ें जो आप लोग के माध्यम से हम लोगों ने अपेक्षा करी है और ADM साहब ने भी बताया है कि वोटर लिस्ट अच्छी रहे। देखिए, स्वस्थ लोकतंत्र वही होता है, अच्छे लोकतंत्र के लिए और चुनाव के लिए अच्छी वोटर लिस्ट होना बहुत ज़रूरी है और इसी का प्रयास हम लोगों का है कि कहीं से भी कोई शिकायत ना रहे और आपके माध्यम से ये कोने कोने तक ये बात पहुंच जानी चाहिए कि अभी वोटर लिस्ट रिवीजन का काम चल रहा है तो जो एलिजिबल वोटर्स हैं वो वोटर बन जाएं, जो फर्जी वोटर हैं उनका नाम हटा दिया जाए। और सबसे अच्छी बात है, इस बार जो ऐप लॉन्च किया गया है, अभी जो ADM साहब ने खोल के दिखाया, कोई भी नागरिक अगर अपने आप को मानता है वो वोटर है तो वो खोल के देख सकता है, अप्लाई कर सकता है ऑनलाइन, जो ज़रूरत होगी उस पर भरेगा, डॉक्यूमेंट हमारे पास ऑनलाइन आ जाएगा तो हम उसी पर ऑनलाइन उसका डिस्पोजल कर देंगे। तो ऑनलाइन माध्यम का अगर प्रचार प्रसार ज़्यादा हो और इसके माध्यम से कोई अगर अपना वोट बढ़वाए तो उसके लिए भी अच्छा है। आपने देखा होगा कई बार अक्सर आता है कि आपका नाम, मान लो हमारा ही नाम मनीष है तो वहाँ में न कहीं और चला गया, ये कहीं और चला गया, कई बार नाम में गड़बड़ियाँ आ जाती हैं, कई बार पिता का नाम बदल गया, कुछ हो गया, अक्सर ये वोटर लिस्ट में देखने को मिलता है। और जब आप खुद भरेंगे ऐप पे तो एक एक चीज़ आप खुद भरेंगे तो उसमें स्पेलिंग मिस्टेक और इन सब चीज़ों की कोई संभावना नहीं होगी और एकदम सही आपको वोटर आईडी कार्ड मिलेगा। तो ऑनलाइन ऐप को थोड़ा प्रमोट हम लोग करें जिससे कि लोगों का एकदम त्रुटि रहित जो है मतदाता सूची तैयार हो सके। बस यही मुख्य मुख्य बातें थी जो हमें आपसे शेयर करनी थी। अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप लोग रख सकते हैं। अब आप जानते हैं कि 1 नवंबर के बाद से जो लोग भी इस निर्वाचन के कार्य में लगेंगे, जो भी इस वोटर लिस्ट के काम में, उनका ट्रांसफ़र और वगैरह ये सारी चीज़ें बंद हो जाएंगी। तो जो भी SDM और इनकी SDM और तहसीलदार, लेखपाल, कानूनगो, DM, ADM, मतलब जो भी वोटर लिस्ट में डायरेक्टली लगा हुआ है, 1 नवंबर से सबका स्थानांतरण पर रोक रहेगी। विशेष परिस्थितियों में आयोग से अनुमति के पश्चात ही कोई कार्रवाई हो सकती है। तो हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं और 1 तारीख को हम लोग कहीं पे एक कार्यक्रम करेंगे और कार्यक्रम के माध्यम से पुनरीक्षण अभियान की हम लोग एक अच्छी शुरुआत करेंगे। ये क्या कोविड वाला जो ना सर, इसलिए फॉर्म लेने हैं कि हम प्रेस में जारी कर रहे हैं ताकि लोग अपना फॉर्म जमा करें। अच्छा, ये तो ये एक तो चुनाव से संबंधित था, एक और इम्पोर्टेंट प्रेस विज्ञप्ति ADM साहब के साइन से जारी हुआ है। अभी जो घोषणा की गई थी कि कोविड के टाइम पे जिन लोगों की डेथ्स हुई हैं कोविड के कारण, उनको 50,000 रुपये की मदद सरकार द्वारा की जाएगी। इसमें अपर मुख्य सचिव राजस्व का 23 अक्टूबर 2021 का ये GO आया है जिसमें जो भी मृत व्यक्ति हैं सरकारी अधिकारी और कर्मचारी को छोड़कर, मृत व्यक्तियों के परिजनों को राज्य आपदा मोचक निधि से 50,000 रुपये की धनराशि प्रति मृतक अनुग्रह सहायता दिए जाने का प्राविधान किया गया है। ये आवेदन पत्र आप आपदा कार्यालय जो कलेक्ट्रेट का है वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं और किसी भी कार्य दिवस में सभी प्रमाण पत्रों के साथ उसको जमा कर सकते हैं। इसके लिए जनपद स्तर पर एक कमेटी बनी है, वो कमेटी उसका परीक्षण करके और राहत की वेबसाइट है उस पर फीड करा देगी और उसके बाद से आपको 50,000 रुपये खाते में चला जाएगा। 4 डॉक्यूमेंट इसमें जो चाहिए, पहला है RT-PCR या एंटीजन या CT scan, इनमें से कोई एक प्रमाण पत्र हो आपके पास। दूसरा मृत्यु प्रमाण पत्र है। तीसरा आधार कार्ड है और चौथा है आश्रित का बैंक पासबुक। ये 4 डॉक्यूमेंट लगा के और फॉर्म जो हमारे आपदा कार्यालय से मिल सकता है लेके भर के आप जमा कर देंगे। आपका मतलब जो भी इससे प्रभावित रहे हैं
उनको हम लोग तत्काल ये लाभ उपलब्ध करा देंगे। तो ये एक महत्वपूर्ण प्रेस विज्ञप्ति 235 जो उस पर थी ना सर सूची, 235 की सूची भी आई है, मतलब सूची की हम लोग संख्या दी है सर। वो संख्या पहले मतलब हम लोग पहले फर्स्ट राउंड टेकअप करेंगे, जो बाद में भी करेंगे ना उसको मतलब उनसे भी मंगवाएंगे। बाकी इसके अलावा 235 के अलावा मैं देख रहा हूँ जौनपुर की सबसे बड़ी विधानसभा कराकर, और यहाँ की मतदाता संख्या जौनपुर शहर की मतदाता संख्या से कम है। हाँ